दिल्ली में बादली के सीरसपुर गांव में एक ऐसा युवक है जिसने घायल आवारा पशुओं के इलाज कराने के लिए अपने घर को ही अस्पताल बना दिया और इस अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के साथ साथ आईसीयू रूम भी गौ सेवक ने बनाए हैं, जहां आवारा पशुओं का इलाज किया जाता है वो भी बिल्कुल फ्री, निःशुल्क इलाज यहाँ पर होता है। आपको बता दें कि मन्नू नाम का ये शख्स हर रोज घायल पशु पक्षियों के इलाज के लिए निजी डॉक्टर को बुलाते हैं, जिसमें हर महीने तकरीबन 20,000 से 30,000 रुपए का खर्च भी आ जाता है। इसे लेकर ग्रामीणों का कहना है कि मन्नू पिछले 4 साल से ये काम कर रही हैं, निस्वार्थ बेजुबान जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं। वहीं गौ सेवक मन्नू का कहना है कि उनके घर के आसपास में कोई भी सरकारी पशु चिकित्सालय है ही नहीं, इसीलिए उन्होंने अपने घर को ही पशु चिकित्सालय बना दिया और इस तरह से इन जानवरों की सेवा कर रही हैं। नहीं नहीं, मेरी कोई संस्था नहीं है, कोई एनजीओ ट्रस्ट गौशाला कुछ नहीं है, मैं अपने पैसों से चलाता हूँ। और कुछ भाई जो सहयोग देते हैं, हम किसी ना हमारी कोई पर्ची है ना कोई दान पात्र है, कोई अपनी खुशी देना चाहे तो दे दो, वरना मेरा अपना खुद का काम है। मेरे मोबाइल स्पेयर पार्ट की 2 मोबाइल शॉप है, उन पैसों से अपनी सेवा चल रही है अभी तक। जो गायें हैं उनका इलाज करते हैं, किस तरीके से अपने घर को अस्पताल में तब्दील कर दिया है आपने, क्या कुछ है हॉस्पिटल में आपके घर में? मेरे पास अभी गायें हैं, कुछ डोगी है और खरगोश है, नील गाय का एक बच्चा है, उसको 50 के आसपास टाके भी लगे थे जो भी ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसका जवाब दे दिया है, लेकिन हम सेवा कर रहे हैं। और खरगोश भी है, और कोई भी हमारे पास पक्षी आता या जीव आता, जिसके अंदर जीव है जान है वो हमारे लिए एक समान है। इमरजेंसी सेवा के लिए है ये, गौ वंश के लिए, जो कि हम डॉक्टर की सलाह से, जो डॉक्टर ने हमें सजेशन दिया है कि ये दवाइयाँ फर्स्ट एड में चाहती है, तो वो दवाइयाँ ये हमारी पर्सनल है लाई हुई, ये किसी की सहायता की नहीं है, ये है हमारा अपना खुद का है, ये कोई मेडिकल स्टोर वगैरह नहीं है, ये हमारी डॉक्टरी सलाह से लाई हुई दवाइयाँ हैं। अच्छा, जैसे अभी आप बाहर सड़क से लाते हो उठाकर गए, हाँ जी, तो ऐसे गांव में पशु बीमार होते हैं तो वो भी आते हैं क्या इलाज कराने? हाँ जी हाँ जी, गाँव में हमें कोई भी दिख जाए, कहीं भी अगर कोई भी कॉल आ जाएगी हमारे पास, हम तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। जी हाँ जी, मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ और एक जितने भी घायल बीमार जानवर है, पशु पक्षी जैसी भी कॉल आती है, हम जितना कोशिश हम पे जितना बनता हम अटेंड करते हैं। और गौशाला वगैरह, गौशाला तो वैसे खुद ही जितना ट्रीटमेंट होता है उतना करने की सोचते हैं, 1% चांस होता है कि हम गौशाला ही भेज देते हैं। हमारे जितने जो हमारा बड़ा भाई है मन्नू गौ सेवक, वो उनके मतलब अपने जेब के पैसों से जितना भी खर्चा होता है वो खुद करते हैं, और फिर भी अगर मतलब गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती, अपनी जेब से करते जो करते हैं। खर्चा जी, हमारी एक छोटी सी दुकान है मोबाइल की, और उसी से हमारा अपना खर्चा चलाते हैं, इसका जो उसमें से बनता हमारा घर पे भी देना होता है और हमें उसी में से हम अपना मतलब